तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, आज वो दिन है कि मैं अपना गुल्लक तोड़ने लगा हूँ। इस गुल्लक के साथ मेरे बहुत ही इंप्रेशन है, आज ही गुल्लक टूट जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, खैर यौफियत के साथ होंगे। तो जी आज का मज़ेदार व्लॉग करते हैं शुरू। यार अभी देखें सुबह सुबह हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और मेरे साथ कौन है? दानियाल भाई साहब। आज हफ्ते का दिन है भाई साहब, छुट्टी है मुझे भी और दानियाल को भी, और आज हमने व्लॉग भी दोनों ने साथ ही स्टार्ट किया है। और हम आए थे अभी छत के ऊपर व्लॉग स्टार्ट करने के लिए, और देखें इधर अच्छी खासी बारिश भी हुई है। रात को बड़ा ग्रेट मौसम बना हुआ था भाई साहब। यार आज मौसम बहुत अच्छा बना हुआ था, ओए होए हाई लेवल। तो मैंने सोचा कि मैं और दानियाल जाके छत के ऊपर दोनों मिल के व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, फिर आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। काशान भाई भी छत के ऊपर आए हुए हैं मौसम को इन्जॉय करने के लिए। आज के व्लॉग में जो दानियाल साहब है ना, ये अमीर होने वाले हैं भाई साहब। वो किस तरह होने वाले हैं ये इन्हीं से पूछती हैं भाई। वीडियो के आखिर में देखिए, वीडियो के आखिर में पता है क्या होने वाला है? ये होने वाला है कि ये अपनी गोलक तोड़ने वाला है। तकरीबन एक साल से भाई साहब ये पैसे जमा कर रहे हैं उस गोलक के अंदर, और अब आज जाके तोड़ेगा उसे और देखते हैं उसके अंदर से कितने पैसे निकलेंगे। मैं जब से आया हूँ तब से मुझे कह रहे हैं मेरी गोलक तोड़ते हैं, उसके अंदर से देखते हैं पैसे कितने हैं पैसे कितने हैं। तो आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम तोड़ेंगे और देखेंगे पैसे कितने, अंदाजन कितने होंगे उसके अंदर। क्या कोई पता नहीं, कोई ऐसे अंदाज़ा भाई साहब 8-10 तो कहीं नहीं गया। ये जितने पैसे होते हैं ना इसके पास, ये हम जैसे अमीर है, मेरे अंदर से काशान भाई से तीनों भाइयों में से ना सबसे ज़्यादा अमीर जो है ना वो सिर्फ दानियाल है भाई, सारे सिर्फ दानियाल है। इसके पास कितने पैसे होते हैं? इस बंदे ने भी इसे उधार लिया है। काफ़ी उतार चढ़ा हुआ है। ये ऐसा उतार है भाई साहब, सारी जिंदगी लगे रहो ये खत्म नहीं होने वाला, ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। काशान भाई दे दे के थक गए, लेकिन उधार है कि खत्म होगा नाम ही नहीं ले रहा भाई, कि मजाल है खत्म हो जाए। ये पता नहीं कौन सी बैंक है हमारी जिसके अंदर से पैसे लेते हैं, उल्टा हमारे पैसे बढ़ जाती हैं। भाई साहब जो भी है ना आज अमीर होगा दानियाल, हमें पता नहीं क्या खाने को मिलेगा। चॉकलेट, वैसे हम चॉकलेट जिस तरह खींच के खाई थी ना वैसे ही हमें पैसे भी खींचने पड़ेंगे। खैर कोई नहीं, शाम को गोलक तोड़ेंगे फिर उसके अंदर से देखेंगे भाई सब क्या कुछ निकलता है। क्योंकि सुबह का टाइम है और हमने नाश्ता भी नहीं किया, और इस प्यारे से मौसम को एंजॉय करने के लिए पहले नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर आगे आज का मज़ेदार व्लॉग स्टार्ट करेंगे। देखें भाई साहब दानियाल भी साथ नाश्ता कर रहे हैं और साथ व्लॉग देख रहा है। वाह 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 वाह, दो काम इकट्ठे हो रहे हैं भाई साहब। और यार दानियाल का टैबलेट स्टैंड चेक करें, ओह हो कहाँ से लाई हो ये? ठीक, अगर हमारा नाश्ता आ गया, और आज देखिए नाश्ते में अंडा और साथ चाय, तो पराठा के साथ बैठ के मज़ेदार से नाश्ता करते हैं, टीवी भी देखते हैं भाई साहब। अल्हम्दुलिल्लाह यार हमने खाना खा लिया, हमारी पेट पूजा हो चुकी है। और देखें भाई साहब वो बाहर दानियाल ने अपनी साइकिल निकाल ली है, और भाई साहब ये जा रहा है क्या तो बोला कब तोड़नी है। हेलो हेलो, ओए बोला कब तोड़नी है? ट्यूशन से? चलो जी भागो भागो भागो, इसका भाई साहब ट्यूशन का टाइम हो गया, ये भाग गया। दरवाज़ा बंद कर देते हैं। यार फिलहाल दानियाल तो एकेडमी चला गया, वो जब आएगा तो फिर उसकी गोलक तोड़ेंगे। यार जब तक दानियाल वापस आएगा तब तक मैं और काशान भाई जा रहे हैं कॉलेज, उनके काशान भाई के कॉलेज। वहाँ से जाके एक बोला क्या उठानी हमने, डॉक्यूमेंट्स उठाने हैं कुछ, वो ज़रूरत है काशान भाई को, तो वो डॉक्यूमेंट्स उठाने के लिए हम उनके कॉलेज चलते हैं। जब तक हम वापस आएंगे तब तक दानियाल भाई भी वापस आ जाएंगे, फिर उनकी गोलक शोलक तोड़ेंगे, देखेंगे अंदर से कितना माल हुआ निकलता है भाई साहब। कल देखिए काशान भाई ने बाइक निकाल लिया और हम भी अभी चलते हैं। गड्डी कटो, मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ है भाई। आह ये देखें गलियों के अंदर भी जगह जगह पानी खड़ा हुआ है बारिश की वजह से। तो फाइनली यार ये काशान भाई के कॉलेज पहुँच आए हैं और बाइक पार्क कर दी है, और अभी जाके हम उठाएंगे इनके डॉक्यूमेंट्स। यार हमने डॉक्यूमेंट्स भी उठा लिए हैं, एक सफ़ा डॉक्यूमेंट्स में है भाई साहब, बाकी हम बाइक पे बैठते हैं और फिर चलते हैं। यार अभी पहुंचे हैं अब्दुल रहमान फोटो स्टेट्स, और यहाँ से जाके डॉक्यूमेंट्स कुछ फोटो स्टेट करवाएंगे काशान भाई। यार जो हम डॉक्यूमेंट लेके हैं वो सिर्फ एक पेज है, तो उसे थोड़ा ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स थोड़े ज़्यादा होंगे, फीलिंग्स तो आए ना भाई साहब डॉक्यूमेंट्स पकड़े हुए हैं। और फाइनली यार प्रिंट भी निकलवा लिए हैं और अभी घर की तरफ निकलते हैं। और अभी गेट शेट खोलते हैं और बाइक अंदर। अभी घर पहुंचे हैं लेकिन दानियाल अभी तक वापस नहीं आया एकेडमी से। जब वो वापस आएगा तो फिर हम अपनी गोलक को तोड़ेंगे और उसके अंदर से देखेंगे भाई साहब कितने पैसे उससे निकलते हैं भाई साहब। तो थोड़ा वेट करते हैं जब तक दानियाल आ जाए। इंतज़ार ख़त्म हुआ और दानियाल जो है ना वो एकेडमी से आ चुका है, और ये देखें भाई साहब ये आ चुका है और इसके हाथ में देखें, ओह हाँ गुल्लक भी उठाई हुई है जो हमने तोड़नी है। ये कहाँ तोड़ें, इधर नीचे या ऊपर चलें?
ऊपर चलते हैं छत। हाँ चलो इसे उठाते हैं और वहीं पे चलते हैं, दिखाओ। और इसके ऊपर भाई साहब ये नाम भी लिखा हुआ है, देखें दानी। और ये यहाँ से बिल्कुल फुल हुआ है, ये एक सिक्का भी एक फंसा है, तो इसे ऊपर लेके चलते हैं और जाके तोड़ते हैं। हम छत के ऊपर आ चुके हैं और सामने देखें मीनार के लिए कितना महंगा जान पे खेल के काम किया जा रहा है, वो चेक करो भाई साहब। ओए हो, किस लिए बन रहा है? कबूतरों के लिए। कबूतरों के लिए वो नहीं, पीछे है मीनार, नया बन रहा है। मीनार पीछे है, ये मस्जिद नया मीनार बन रहा है। नहीं पीछे है मीनार, और मीनार पीछे है ना, नया मीनार जो बना रहे हैं। नया मीनार नहीं बना रहे, कबूतरों के लिए बना रहे हैं, वो जाली भी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यार इस बात को छोड़ो कि मीनार बन रहा है या नहीं बन रहा, या कबूतरों के लिए कुछ बन रहा है, तो खैर जब बनेगा तो आप लोगों को दिखा दूंगा। फिलहाल मैं कह रहा था इतनी हाइट के ऊपर लड़के काम कर रहे हैं। सब यह हथौड़ी और गुलक भी तैयार है और अभी गुलक को तोड़ेंगे। चलो जी। हाँ हाँ या काउंटिंग करें, 1 2 3 करते हैं। ओए टूट, ओ ओ भाई, ओ भाई, ओए कितने ज्यादा सारी है। क्या बात है, क्या बात है, आप क्या बोल रहे हैं, मेरा कहां में आ जाए। कितने ज्यादा सारे निकले हो भाई आज जी। पैसे गिनना शुरू करते हैं, पैसे गिनने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फाइनली यार हमने सारे जो है ना नोट अलग अलग कर लिए हैं। ये देखें, एक जो है ना 1000 वाला है, बाकी 500, 100, 50, 20, 10 और ये कुछ सिक्के हैं। अभी हमने गिने नहीं है तो अब इनको गिनते हैं कि भाई साहब ये सारे मिला के कितने हैं। 9 मेरे, 8.5 ठीक हो गया। तो देखते हैं अब कितने हैं भाई। तो फाइनली यार हमने पैसे गिन लिए हैं। पैसे का दानियाल कितने हुए हैं? कितने हुए हैं? 17,530। ये देखें भाई साहब, ये है 17,530 हमने अभी गिने। 50 पूरे ना, ये भी गिने ना। हाँ वो कितने हैं? ये कितने हैं? 20 रुपए। आप सिर्फ इतना बताओ कि भाई साहब हमें खिलाओगे क्या? ये इतने पैसे जो आए हैं, आप काम क्या? ये आप कहेंगे वो खिलाएंगे, जो कहेंगे वो खिलाएंगे। हाँ भाई काशान भाई जी, हमारा दिल है प्लेटर का। कहाँ से? टीजीएस प्लेटर। हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल नहीं खाएंगे। ये क्या बात हुई, फिर ये नहीं लेने? ये तो बात बुला के बाद वापस मिल जाएंगे। ये तो नहीं मिलने वाले, कुछ खाने को मिलेगा फिर ये वापस दे देंगे। हाँ ना, क्या खाने के लिए के अंदर ले लेना पैसे जितने। क्या बात है, चलो जी डन हो गया। ठीक है यार, हमने दानियाल के जो गोलक है ना वो तोड़ दिए और उसके अंदर से अच्छे खासे पैसे भी निकले। और पीछे से ये पूछी सीधी हरकतें भी कर रहे हैं, वो आप लोग इग्नोर मारा करें क्योंकि ये अभी खुश है। तो इतने ज़्यादा सारे पैसे निकले हैं भाई साहब, तकरीबन 17,000 हमने जितने अंदाज़ा लगाया था उससे भी ज़्यादा। मतलब मैंने 8 बोला था, दानियाल ने 8.5 बोला था, और आप व्लॉग देख लेना, और काशान ने जो बोला था वो था 9,000। तो हमारी सारों की उम्मीदों से ऊपर 17,000। ये भाई सब सही तरसाया जा रहा है इसको, अभी रोने वाली शक्लें बनाई। आज उसको भाई साहब पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे चाहिए। वो नाराज होकर चला जाएगा। आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये लो। नाराज होकर नीचे चला गया, उसे हम ऐसे ही मजाक में तंग कर रहे थे लेकिन वो सीरियस हो गया, वो नीचे चला गया। तो खैर उसे जाके पैसे उसके दे आते हैं भाई। और फाइनली यार मैं जाके उसके पैसे दे आया हूँ उसके पास। वो नाराज़ हो गया था, फिर मैंने उसे नीचे दे दिया, तो फिलहाल वो नीचे बैठा हुआ है। अभी मैं दोबारा छत के ऊपर आया हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ बैठ के वीडियो एडिट करता हूँ, यहाँ से शाम भी हो रही है, उसको भी इंजॉय करते हैं। और दूसरी बात है भाई साहब, पाकिस्तान और इंडिया का आज मैच भी है तो वो भी देखेंगे इंशाल्लाह, मैं वीडियो एडिट कर लूँ उसके बाद। और यहाँ से भाई साहब शाम चेक करें कितनी मज़ेदार और बेहतरीन हो रही है। हाय 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 हाय। तो फाइनली यार हमने वीडियो भी एडिट कर ली है और अभी देखें अंधेरा भी हो चुका है। और मैं भी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो एडिट की है, एडिट करके अपलोडिंग पर लगाई है, और अपलोडिंग पर लगाने के बाद फ़ौरन बाद मैंने मैच की सूरत हाल देखी है ना, देखते ही मैं तो भाई साहब हैरान रह गया हूँ कसम से। मैच ही ख़त्म हो गया था, हम हार गए हैं भाई यार, एकदम से मुझे 50-50 लग रहा था। मुझे लग रहा था कि तकरीबन 8-8 तक तो जाएगा मैच कम से कम, लेकिन 8-8.5 तक चलेगा मैच, लेकिन मैंने जो ही देखा भाई ख़त्म हो गया था। अभी तकरीबन 7:30 हुए हैं और पाकिस्तान माशाल्लाह से हार गया है भाई। तो खैर हार गया। और इधर ये देखें ये क्या चीज़ बैठी हुई है, ये
बिल्ला जी पीटर ये किधर बैठा हुआ है छत के ऊपर दीवार के ऊपर भाई साहब, मैं इधर व्लॉग एडिट कर रहा हूँ और ये यहाँ बैठा हुआ है। हेलो जी, इसको अभी नीचे ले चलते हैं और हम भी नीचे चलते हैं और चल के जल्दी से खाना खाते हैं भाई। फाइनली यार हमारा खाना आ गया और आज खाने में भाई साहब पालक और आलू साथ रोटी, तो बैठ के मज़ेदार सा खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यार हमने खाना खा लिया, पेट पूजा हो चुकी है और आज का मज़ेदार व्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तो मुझे दें इजाज़त। ओके अल्लाह हाफिज़।